अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल नाज़ियाज़ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक ब्लॉग लेकर आई हूँ और आज ऐसा है कि आज सब आएंगे शाम में चाय पे। मैं बिल्डिंग में हमारे जो कंपाउंड में रहते हैं वो सब आएंगे, मतलब सब हम लोग लेडीज़ एक समझ लीजिए गेट टुगेदर है हमारा। तो आज मैंने सोचा था ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैं क्या बना रही हूँ, एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ भी बना के कुछ लेकर आएंगी और मैं मतलब थोड़ा मैं बनाऊँगी, थोड़ा आधा आधा ऐसे हम लोग करेंगे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ फटाफट काम करने के लिए। एक चीज़ तो मैंने कल रात में ही बना ली थी, मीठा मैंने रात में बना लिया था क्योंकि आपको पता है इतनी गर्म हो रही है यहाँ पर, मतलब 3-4 दिन से हमारे यहाँ लाइट ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है। पूरी पूरी रात नहीं आ रही, पूरी पूरी दोपहर नहीं आ रही है, मतलब आ रही है और जा रही, 10-10 मिनट की गैपिंग्स में ऐसा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने एक चीज़ कल ही बना ली थी और अब जा रही हूँ मैं नूडल्स, और नूडल्स बनाऊँगी मैं, तो उसकी तैयारी करने जा रही हूँ और खाना भी बनाना है मुझे दोपहर का, तो आज बहुत काम है। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ साथ में और बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वाद सबसे पहले मैंने काम किया है नूडल्स को उबाल लिया, क्योंकि आपको पता है पहले के काम ज़्यादा भारी पड़ते हैं, जैसे उबालना, सब्ज़ी काटना, ये सब। एक्चुअली कल रात में भी मुझे बहुत काम हो गया था, वो मैं आगे बताऊंगी क्यों। और यहाँ पे मैंने नूडल्स को अच्छे से उबाल लिया है और अच्छे से ऑयलिंग भी कर ली है इनमें, क्योंकि चिपक जाते हैं, और थोड़ा फ़ैन चालू कर दिया है ताकि फ़ैन में ये थोड़े सूख जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1:15 बज चुके हैं, मैं खाना चढ़ा दिया है मैंने, तो एक तरफ यहाँ पे मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, इसमें सालन हो रहा है और यहाँ पे चावल है, आटा यहाँ पे रखा हुआ है, अभी मैं रोटी डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कल ही सारी डस्टिंग करी है घर की, क्योंकि आज आपको पता है फिर ज़्यादा काम हो जाता है, वैसे इतना काम है नहीं आप देख सकते हो। सो अब मैंने नूडल्स को कंटेनर्स में रख दिया है क्योंकि अभी शाम में ही बनाऊँगी मैं, तो इसको फ्रिज में रख दूंगी। और एक गाइस बात पूछनी थी मुझे आपसे, जो कानपुर में रहते हैं, इससे पतली अगर कहीं नूडल्स जो मिलती है स्ट्रीट में जो लोग बनाते हैं, अगर आपको पता है कहाँ मिलती है कानपुर में तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना यार, मुझे पता करना है। तो ये तो मुझे थोड़ी सी मोटी जो होती है चाउमिन वो मैंने ली है। जा रही हूँ मैं सब्जियों कट करने के लिए नूडल्स के लिए, और फटाफट इसको कट करती हूँ, फिर इसको भी मैं फ्रिज में ही रख दूँगी काट के। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली थी, ये जो हम नूडल्स के लिए काटते हैं ना, ये ऐसे फाइन होना चाहिए कैरेट्स। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो स्लाइसर होता है, स्लाइसर से इतने बड़े बड़े पीसेस मैं निकाल लेती हूँ और फिर उसको एक साथ 4-5 को रख के मैं इसको ऐसे कट करती हूँ। तो देखिए कितने फाइन कटे हैं ऐसे कैरेट्स। सो अभी 4:45 हो रहे, मैं जा रही हूँ नूडल्स को जल्दी जल्दी बनाने, बाकी सब करके रख चुकी हूँ मैं। देखिए कालीने में बिछा लिए, और क्योंकि काफ़ी जन है तो नीचे ऊपर तो आ नहीं पाएंगे, तो इस वजह से अभी मैंने नीचे बिछा लिया कि नीचे ही सब दस्तरखान बिछ जाएगा और नीचे ही सब बैठ जाएंगे। अभी बहुत गर्म हो रही है यार, आज मैंने ये वाली भी एसी खोल दी है हॉल की। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें बनाऊँगी मैं, क्योंकि काफ़ी नूडल्स है और सब्ज़ियाँ ये रखी है, थोड़ा सा मैंने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा मैंने बारीक बारीक इसमें ग्राइंडर में चला दिया है, पेस्ट नहीं बनाया है, तो इतना बड़ा कुछ है नहीं कि मैं इसमें बना पाऊँ, इसलिए मैंने ये टोप लिया है, इसमें बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से सॉटे कर लिया था, अब सब्जियों को कर रही हूँ 2 मिनट के लिए फ्राई, और फिर नूडल्स ऐड करूँगी और फिर सारे सॉसेज ऐड करूँगी इसमें। बहुत ही सिंपल है रेसिपी इसकी। तो अभी मैंने ऐसे सारी सॉसेस डाल दी हैं अपने हिसाब से, मैं मेजरमेंट नहीं करके डालती हूँ, मैं ऐसे ही डालती हूँ, अभी सबको मिक्स करूँगी मैं। सो माशाल्लाह से सारी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे नूडल्स बन चुके हैं, ये है मटर जो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है, यहाँ पे सिवई है जो मैंने कल बनाई थी, यहाँ पे सब मैंने धो के भी रख दिए ग्लासेस वगैरह, और ये जिसमें हम सर्व करेंगे वो भी रख दिए हैं यहाँ पे। तो सारी कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मेरा इयर रिंग एक गिर गया, ये वाला पहना हुआ था,
पसीने देख रहे हैं आप। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या हो रहा है किचन में। तो अभी अम्मी तल रही हैं पापड़ यहाँ पे। हो गए अम्मी? गरम तो बहुत गरम, अल्लाह ही रहम करे। पापड़ वहाँ पर रखे हैं, वही मैंने कहा इतने से ये पापड़ रखे हुए। सब माशाल्लाह हमारा काम हो गया यहाँ पे। आपका क्या नाम है? आयजा। और आपका बता दो, जल्दी से बता दो, इधर बता दो। देखो सब देख रहे हैं इधर, देखो। आयत कह दो। ये आयत क्या, हम लोग ने ही बता दिया ना। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। सब ए छोटू इधर देखो, इधर देखो, जल्दी से हाय कर दो, हाय कर दो। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अल्फिया कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा, देखे रहना बेटा, कोई चीज छुए ना, ठीक है? हम लोग अंदर है, ठीक है? अलीजा देखोगी ना? आयजा, अल्लाह मैं इसका नाम ही भूल जाती हूँ। अभी चीजें लगने जा रही है, अम्मी निकाल रही है मटर। मैंने भी इसको नूडल्स को गर्म करने रख दिया है अभी। ये भी हम लोग ने ऐसे निकाल के रख लिया था दही बड़े। अम्मी ने बनाए दही बड़े हैं, मैंने सिर्फ नूडल्स बनाए और उसी में बनाई है, बाकी सब अम्मी ने किया है। देख रही हो बैंगल? ए फातिमा को कॉल करो। ए क्या खेल रहे हो तुम लोग? ओफो, देखो सब जा रहे हैं। तो ये दही बड़े ले जाएंगे थोड़ा। अरे अभी तक किसको यार मत जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी मम्मियों को फोन आ रहा है वैसे तो। क्या करूँ, काम है यार, देखो कितना फैला हुआ है काम। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओए अल्लाह हाफिज। ये कह रही बदतमीज मुझे छोड़ के जा रहे हैं।
सो अभी ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। बहुत ही अच्छा लगा, होप सो आपको भी अच्छा लगेगा। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।